दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक मिस्ट्री में। आज मैं आपको पुरानी चीज़ों से ब्लूटूथ स्पीकर और वायर्ड स्पीकर बनाना सिखाऊंगा। एक ये हेडफोन का वायर है जो कोड है 3.mm का, और एक स्पीकर है जो कि मेरा ख़राब हो चुका है। अभी इसका एम्पलीफायर ख़राब हो गया। पहले हम एम्पलीफायर सर्किट बनाएंगे। इसमें एम्पलीफायर सर्किट बनाने के लिए मैंने एक LM386 की IC ली है जो कि ऑप एम्प IC है, और दूसरा 10 किलो ओम का पोर्ट है जो कि वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करने के लिए यूज़ करेंगे हम। एक 10 ओम का रेजिस्टर लिया हुआ है, और मेरा एक 220 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर यूज़ कर रहा है जो कि 25 वोल्ट का है, और एक 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर यूज। एक 104 सेरामिक कैपेसिटर है जो कि नॉइस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक 9 वोल्ट की हम बैटरी यूज़ करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सर्किट में कंपोनेंट्स कैसे लगाने हैं। इस आईसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये 8 पिन IC है, 386, LM386, LM386। अभी इस आईसी में पिन नंबर 1 पे गेन है, पिन नंबर 2 पे माइनस इनपुट सिग्नल है, पिन नंबर 3 पे प्लस इनपुट ऑडियो ऑडियो इनपुट है, और चौथे पे ग्राउंड है, पांचवे पे आउटपुट है, छठवें पे हमको बैटरी लगानी है, सातवां बायपास है। ये लगा सकते हैं, और इसको ऑप्शनल है, हटा भी सकते हैं। और फिर आठवें पे गेन है, राइट। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इनपुट 2 को हम ग्राउंड रखेंगे और इनपुट 4 को हम ग्राउंड रखेंगे, राइट। ग्राउंड को ग्राउंड रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने 10 किलो ओम का एक पोर्ट लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस है ये कि जो कि ये वाला है, 10 किलो ओम का पोर्ट है। आप अच्छे से देख सकते हैं 10 किलो ओम का पोर्ट लगा हुआ है। नाउ आप जानते हैं कि पोर्ट की 3 पिन रहेंगी, जो कि एक पिन हम यहाँ पे इनपुट देंगे, दूसरे पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, और जो तीसरी पिन रहेगी आईसी की, थर्ड पिन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 0.01 माइक्रोफेराड है, और 104 सेरामिक, दोनों सेम वैल्यू हैं, और एक 10 ओम का हमने रजिस्टर लगाया और जो कि इनको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर हमने और भी आउट में एक 220 माइक्रोफेराइड का एक कैपेसिटर लगाया, और कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से हमने स्पीकर कनेक्ट किया, और स्पीकर का नेगेटिव टर्मिनल हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे अब इनपुट सप्लाई का कनेक्शन ऐसे करना है कि ये 6 नंबर जो कि VS है, इनपुट वोल्टेज है, जो कि हमें 9 वोल्ट दे 12 वोल्ट तक दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल है, मैंने 9 वोल्ट के इनपुट दिया हुआ है। यहाँ पे देखें, मैंने एक 220 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर लगाया हुआ है जो कि सप्लाई को स्टेबल रखता है। यहाँ पे 9 वोल्ट लगाया हुआ है, और एक बायपास कैपेसिटर जो हमारा ऑप्शनल है, 10 माइक्रोफेरेट, ये स्टेबिलिटी बनाता है। आप यहाँ पे गेन भी दे सकते हैं, गेन के लिए एक कैपेसिटर दे सकते हैं जो कि मैंने नहीं दिया है। ये यहाँ पे सिस्टम का गेन है 20, ओके। अगर आपको यहाँ पे एक 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगाते हैं तो यहाँ पे सिस्टम का गेन 200 हो जाएगा। तो मैं आपको ये आईसी सर्किट का अरेंजमेंट दिखाता हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है। हमें ध्यान रखना है कि ये जो सेरामिक कैपेसिटर लगा हुआ है वो आईसी की पिन नंबर 5 के बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, और फिर ये रजिस्टर से कनेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अब इनका कनेक्शन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अब हमारा सर्किट रेडी है। मैंने सभी कंपोनेंट्स को इस पे माउंट कर दिया है, सभी को सोल्डर कर दिया है, सभी को प्रॉपर कनेक्शन कर दिया जैसे आपको सर्किट का दिखाया हुआ था। मैं अभी स्विच ऑन करता हूँ और आपको इसको चला के दिखाता हूँ। स्पीकर को ये मैंने वायर कनेक्ट किए हुए हैं स्पीकर के, आपको स्विच ऑन करता हूँ। पहले स्विच ऑन किया, अब मैं यहाँ कुछ सॉन्ग चलाता हूँ। साउंड
सकते हैं। ये देखिए मैं बंद करके देखता हूँ। ये हमारी वॉल्यूम बटन है। इस वॉल्यूम बटन का फंक्शन अभी हम इसको फुल ओपन रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हेडफोन के वायर के साथ बनाया हुआ है। आप इससे कॉलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें माइक है, तो आपका इसको पता के दुनिया माइक के साथ गवारा नहीं। बात भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको ब्लूटूथ के साथ कनेक्शन बताऊंगा कि ब्लूटूथ का आप कैसे, मैंने एक स्पीकर बनाया हुआ है वायरलेस जो कि मैं ब्लूटूथ से यूज़ करके चलाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, एक मेरे पास दूसरा स्पीकर है जो कि मैंने ब्लूटूथ के साथ बनाया है। यहाँ पे मैंने एक मेरा ब्लूटूथ था ख़राब हो गया था, तो उसका सर्किट यूज़ करके मैंने इसको बनाया हुआ है। कनेक्शन हमारा सेम ही रहेगा सर्किट में, जो कि हमने जैसे इस सर्किट में यहाँ पर ये हेडफोन के वायर्स को कनेक्ट किए, जो आपको इनपुट ऑडियो सिग्नल दिखाया था, जो सेम कनेक्शन रहेगा वैसे ही ब्लूटूथ के जो दो आउटपुट स्पीकर के लिए कनेक्ट होते हैं वो स्पीकर में से निकाल के आपको यहाँ पर इनपुट देना है। ब्लूटूथ पेयरिंग हो गई है ब्लूटूथ म्यूजिक नाम से। अभी मैं आपको कुछ गाने चला के सुनाऊंगा इसमें। आप सुन सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है। आपको वॉल्यूम बढ़ा के दिखाता हूँ। ये मैं आपको वॉल्यूम बढ़ा के दिखाया। वो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, वो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। देखो तुझे यारा जितनी दफा मैं तुझ पे आता, मुझको यकीन सबसे मजदा हो के अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। तो दोस्तों, इस तरह आप पुराने हेडफोन्स और स्पीकर से आप अपना ब्लूटूथ स्पीकर और हेडफोन स्पीकर बना सकते हैं इजीली। आपको बस एम्पलीफायर सर्किट चाहिए रहेगा, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है कैसे बनाना है। और आपको और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।